पंचतरणी आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा शुरू। शेषनाग आधार शिविर से भी भेजे गए शिव भक्त। 3 दिनों के अंतराल के बाद आज शुरू हुई यात्रा। बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मेले में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने जताई अपनी आस्था। अंतिम दिन भी पवित्र सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। खतरे के निशान के पास पहुंचा चेनाब का जल स्तर। लोगों से दरिया से दूर रहने की जारी हुई एडवाइजरी। माल मवेशी को भी तट से दूर रखने की अपील। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मौसम खराब रहने के कारण आप देखिए 3 दिन से यात्रा बाधित थी, लेकिन 3 दिन तक बंद रहने के बाद आज आखिरकार कश्मीर की पंचतरणी व शेषनाग आधार शिविरों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा बहाल कर दी गई है। पवित्र गुफा के पास मौसम साफ होते ही प्रशासन ने इन दोनों आधार शिविरों के गेट खोल दिए हैं और शिव भक्तों को दक्षिण कश्मीर के स्थित पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाजत दे दी गई है। वहीं जो शिव भक्त पवित्र यहां शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं, उन्हें भी भवन परिसर से वापस बालटाल आधार शिविर की ओर रवाना कर दिया गया। दूसरी ओर भारतीय सेना ने अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके में स्थित अपने कैंप में 700 से भी ज्यादा अमरनाथ श्रद्धालुओं को आसरा दे रखा है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पंचतरणी से आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से यात्रा को बहाल कर दिया गया है। 3 दिन के अंतराल के बाद आज यात्रा शुरू की गई है। भक्तों के अंदर काफी उत्साह देखा गया है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को बाधित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता जसलीन कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जसलीन, क्या कुछ ताजा स्थिति है इस वक्त वहां पर और क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि एक बार फिर से 3 दिन के बाद यात्रा को शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल आशा, बता दूं कि आज सुबह ही यात्रा को एक बार फिर से रिज्यूम कर दिया गया था, क्योंकि मौसम ने बेहतरीन देखी गई थी। फिलहाल अगर बात करें तो सबसे पहले जो पंचतरणी में जो जिन लोगों ने दर्शन कर लिए थे वो फंसे हुए थे, सबसे पहले उनको जो है बालटाल रूट से वापस भेजा गया, और उसके बाद जो पंचतरणी से जिन्होंने अभी दर्शन करने थे उसके बाद उस जत्थे को रवाना किया गया ऊपर के लिए, और उसी जत्थे में मैं भी शामिल थी। बात करें अगर रास्ता आगे, क्योंकि काफी ज्यादा बारिशें हुई थी उस वजह से काफी ज्यादा वहां फिसलन जो है वो जरूर थी, कुछ जगहों पर जाम भी जरूर देखने को मिला। पर जगह जगह पर अगर बात करें तो हमें यहाँ हमारे एनडीआरएफ की टीम की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें, तो वो तमाम लोग थे जिन्हें वो संभालने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस तरह की जाम जैसी स्थिति जो है वो ना लगे। पर फिलहाल अगर ऊपर अगर बात करें तो आपको बता दूं, ठीक मेरे सामने सब गुफा भी नजर आ रही है, और फिलहाल मौसम जो है बीच में कभी बादल नजर आते हैं तो कभी धूप भी खिलकर नजर आ रही है, तो जिन लोगों के दर्शन हो रहे हैं वो वापस जो उन्हें बालतल के रूप से जो है वापस नीचे भेजा जा रहा है। जसलीन, एक और बात आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से रात के अंधेरे में लोग वहां पर ठहरे भी हैं, टेंट का इस्तेमाल किया गया था, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पानी वहां पर पहुंच गया था, वहां पर उस वक्त किस तरह से मदद जो है वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं और मुकम्मल तरीके से सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से इंतजाम हैं? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट रूम बनाए गए हैं, क्योंकि कल कॉन्टिन्यूसली अगर बात करें पिछले 3 दिन में रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही थी, और उस वजह से तमाम कुछ टेंट्स की बात करें तो लोगों की ये शिकायतें थी और कि टेंट से ऊपर से जो है पानी गिर रहा है, पर जिसके बाद अनाउंसमेंट रूम में अनाउंसमेंट की जाती थी और उसके बाद एनडीआरएफ टीम उन टेंट्स में जाके जो है उन्हें चेंज करती थी और लोगों को जो है अलग नया टेंट जो है वो उन्हें मुहैया करवा देता था। तो इतनी कोई उस तरह की कोई परेशानी, क्योंकि 3 दिन लोग वहां रुके रहे, हेलीपैड भी वहीं पर है, तो कोई चौपर की सर्विसेज भी नहीं थी, तो तमाम लोग थे। और वहां पे टेंट की अगर मैं किराए की बात करूँ तो उससे भी 200 रुपए कम जो है श्रद्धालु के लिए कर दिया गया था। जसलीन, एक और बात रखना चाहेंगे आपके सामने यहाँ पर और जानना भी चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कही गई थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कही गई थी, क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर ये मुहैया कराई गई है वहाँ पर? फिलहाल अगर पंचतरणी के बेस कैंप की बात करें तो वहां पर बीएसएनएल के सिग्नल जरूर आ रहे थे, जियो के नेट की बात करें तो वो इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं चल रहा था, पर हालांकि लेट आवर्स की बात करें तो तब स्पीड ठीक हो जाती, क्योंकि काफी ज्यादा रश है और तमाम लोग भी यूज करें, तो उस वजह से दिन को या सुबह को अगर बात करें तो उतनी स्पीड नहीं होती, पर रात के 1 बजे के बाद अगर जो हमने यूज किया तो उसके बाद स्पीड जो है ठीक नजर आ रही थी। चलिए जसलीन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता जसलीन कौर हमारे साथ जुड़ चुकी थी, लेकिन
आप देखिए फोन लाइन से वो जुड़ी थी। जिस तरह से सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा रखा गया था कि मोबाइल कनेक्टिविटी वहां पर रखी जाएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पर रखी जाएगी, कोशिश जरूर की गई है लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत कम देखी गई है। और साफ तौर पर जसलीन ये कह रही है कि ज्यादातर यूज हो रहा है इंटरनेट, इसकी वजह से स्पीड बहुत कम है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, फराहम कराने की कोशिश पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से की गई है। तीसरे दिन के बाद आज यात्रा को रवाना किया गया है। जो रास्ते में लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो फिलहाल एक राहत भरी खबर ही से कहा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में मानसून के जोर पकड़ते ही आज तीसरे दिन भी जहां पहलगाम और बालटाल के पवित्र गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई, वहीं जम्मू से भी तीसरा जत्था तो पहले ही रवाना हो गया था लेकिन नौवां जत्था घाटी की ओर रवाना नहीं हो पाया था। तो जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में हजारों शिव भक्तों को रोक दिया गया है लेकिन उनमें उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी और इन शिव भक्तों को पूरा विश्वास है कि जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन वो कर पाएंगे, सफल हो जाएंगे दर्शन करने को। और आधार शिविर में भी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसका आभार यहां पर लोगों ने जताया है। भगवान भोले बाबा की शरण में जितने भी भक्त आए हुए सभी के मन में ये उमंग है, सभी के मन में ये तमन्ना है कि शीघ्र उनका दर्शन हो जाए। बाकी ये व्यवस्थाओं के बारे में सभी के मन में ये चल रहा है कि इससे अच्छी व्यवस्था शायद कहीं हो नहीं सकती। इतनी भीड़ भाड़ में यदि इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो इससे अच्छा और क्या पा सकते हैं आप। भगवान की कृपा से और यहाँ के सभी सेवकों की जो लगे हुए हैं निरंतर, सेना हो चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो यहाँ के सेवक हो, भगवान की दया से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इससे सभी जनता जनार्दन जो भक्तगण पधारे हुए सभी बहुत प्रसन्न है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। रास्ता बस भोले की कृपा है, भोले जल्दी से क्या कहते हैं रास्ता खोल दे तो हम लोग दर्शन के लिए है। हमारा 9 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, हम कल से यहाँ लोग आए हुए हैं, रुके हुए हैं और व्यवस्था तो सही है। बस प्रशासन की बस ये है कि जो अपना दिक्कत आ रही है हाईवे में, जो अभी पता चला है कि वहाँ पर कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है तो उसमें उसकी दिक्कत है। बाकी जाएंगे जरूर, यात्रा जरूर करेंगे, बाबा के दर्शन करके बिना नहीं जाएंगे वापस। कितना उत्साह है? बिल्कुल एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि यात्रा जल्दी से जल्दी शुरू होगी और हम दर्शन करके जाएंगे। अमरनाथ जी की यात्रा की व्यवस्था को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर निशाना साधा हुआ है और इस मुद्दे को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने यात्रा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि पंचतरणी से 1:30 बजे के बाद यात्रा को रोक दिया जाता है जिसके कारण कम यात्री ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पा रहे हैं। अशोक गुप्ता के मुताबिक 6 बजे के बाद पवित्र गुफा को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। उन्होंने जम्मू में फंसे हुए अमरनाथ यात्रियों के रहने की व्यवस्था करने की भी मांग की। एक बड़े आश्चर्यजनक स्थिति है, उसके विषय के अंदर सरकार को स्पष्ट करना होगा। जब से यात्रा चली है 1:30 बजे पंचतरणी से आप यात्रा बंद कर देते हैं, इसका कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे लोग कौन हैं जो यात्रा के विषय के अंदर इस तरह की घटनाएं करने का प्रयास करना चाहते हैं? अगर 1:30 बजे यात्रा बंद हो जाएगी ज़्यादा लोग ये दर्शन नहीं करेंगे। पंचतरणी से आगे यात्रा 1:30 बजे नहीं जा रही है, 6:30 बजे या 6 बजे भवन पर दर्शन बंद हो जाते हैं। सरकार इसके विषय के अंदर संज्ञान लेने का प्रयास करे। यात्रा यहाँ रुकी हुई है, 65,532 लोग यहाँ रुके हुए हैं और उसके विषय के अंदर दिल्ली को जम्मू को सबको मिल करके विचार करने का प्रयास करना चाहिए। लोग सड़कों पर सो रहे हैं, लोग इस समय कोई जगह खाली नहीं है, होटल बंद हैं, होटल बुक हो गए हैं, सराएं बुक हो गई हैं, उसके बाद जितने रहने के स्थान थे शुक्र करो कि यहाँ बैठ करके लोग लंगर सेवा देख करके उनको अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। शनिवार शाम को सुरनकोट के ही डोगरा इलाके के नजदीक यहां दरिया पार करते हुए पानी में बहे सेना के दूसरे जवान ने यहां जवान का शव आज बरामद कर लिया है और जवान की पहचान लाजनायक तेलू राम के रूप में की गई, जबकि दरिया के बहे जो नायब सूबेदार कुलदीप सिंह का शव शनिवार को ही बरामद कर लिया गया था और इन दोनों के शवों के बरामद होने के साथ ही वहां ऑपरेशन चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद आप देखिए किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, फिलहाल ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया है। तो सांबा जिले के ही विजयपुर में स्थित बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर आयोजित 8 दिवसीय मेले के अंतिम दिन भी लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम दिन भारी संख्या में स्थानीय और बाहरी राज्यों के लोगों ने
बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर स्थित पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और वहां पर शीश नवाकर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। देवस्थान के महंत बाबा भोलानाथ ने बताया कि 8 दिन तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय और बाहरी राज्यों के लगभग 5,00,000 श्रद्धालु यहां पर माथा टेक चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले मेले में इससे भी ज्यादा संख्या में लोग बाबा सिद्ध गौरिया का आशीर्वाद प्राप्त करने आएंगे। जो मेला बाबा सिद्ध गौरिया जी का 8 दिन चलता है, वो बाबा जी का मेला बहुत विशाल मेला होता है। बाबा जी का बहुत बाबा जी का जो दिन है बहुत अच्छा मनाया जाता है, जहाँ बहुत परंपरा के अनुसार। 8 दिनों में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए होंगे? 8 दिन में श्रद्धालु मतलब हमने गिनती तो नहीं की है, पता नहीं कितने, पर ऐसे तो मंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में दवाओं की एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान दुकान में रखा हुआ काफी सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ है रात को, उसकी वजह से ये आग लगी है। क्या समय था जब ये हुआ? समय 11:30 बज जी, हाँ 5 मिनट के बाद आ गई थी जी। पूरा सब कुछ लॉस हो गया, कुछ नहीं बचा। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्री एग्जामिनेशन द्वारा जम्मू में आज जीएनएम लेटर और एंट्री की परीक्षा ली गई है और जीएनएम लेटर की ये एंट्री हुई है। जम्मू संभाग के जिलों के उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए शहर के महिला कॉलेज परेड में व्यवस्था की गई थी, जहां सभी जिलों के करीब 1500 उम्मीदवारों ने परीक्षा देकर अपना भाग्य आजमाया है। इस परीक्षा के चलते कॉलेज में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। आज यहाँ पे हमारा जीएनएम लेटर एंट्री का एग्जाम था, एंट्रेंस का, तो आज हमारा गवर्नमेंट कॉलेज पर परेड में आज हमारा एग्जाम हुआ। अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम था। कितने बच्चों ने यहाँ भाग लिया होगा? बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। क्या ये जम्मू प्रोविंस का था या फिर कहीं और के बच्चे थे? यहाँ पे मुझे तो जम्मू के ही लग रहे हैं। आज के बोपी वालों ने लिया जीएनएम लेटर एंट्री वालों का। कितने लोगों ने सेंटर की अगर बात करें तो कितने बच्चे जो थे इसमें पार्टिसिपेट? 1500 होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता रह चुके रोहित केरड़ी की याद में सुबह सेवा दल ने जम्मू में एक जीएमसी अस्पताल में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इस कैंप में कई युवाओं ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और स्वर्गीय रोहित केरड़ी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले कि रोहित केरड़ी कोरोना काल में इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। युवा सेवा दल से मतलब जुड़े हुए हैं, हमारे एक भैया थे बड़े रोहित केरनी, उनकी कोरोना में डेथ हुई थी, तो हमने स्टार्टिंग से उन्हीं के साथ रहे और एंड तक हमने यही सोचा था कि हम भैया के यादों में हर तरफ से युवा सेवा दल आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले लंगर भी लगाए थे, अब तीसरा ये ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया। हम यही चाहते हैं कि हमसे जितनी भी यूथ है हमारे साथ जुड़े और हम आगे बढ़ें, और हम यही अपील करते हैं कि सारे हमारे साथ अच्छे से रहें और हम आगे बढ़ के काम करें। ये सब अखनूर क्षेत्र के आसपास नदी नालों के साथ ही चिनाब दरिया का पानी खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है और बरसात के मौसम में पहाड़ों पर होने वाली बारिश का पानी बड़ी ही तेजी के साथ नीचे की तरफ बहते हुए चिनाब दरिया में मिलता है, जिससे इसका जल स्तर बढ़ जाता है और चिनाब का जल स्तर बढ़ने से जियोपोता घाट की सीढ़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं और मौजूदा हालात के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से चिनाब से दूर रहने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से माल मवेशी को भी चिनाब के तट से दूर रखने का आह्वान किया गया है। तो
तो भारी बारिश के कारण कठुआ जिले में भी लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। जिले के नदी नालों में जहां उफान पर पानी देखा गया है, तो वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे पर हटली बोर्ड इलाके में आज भी पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कठुआ में उच्च दरिया भी बाई, आप देखिए किस तरह से बाढ़ से ग्रसित हो चुका है। भारी बाढ़ के कारण एसडीआरएफ और पुलिस पहले से ही यहां पर सतर्क थी और आज उच्च में फंसे हुए 5 लोगों को बेहद मुशक्कत के बाद बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन दिया गया। एसडीआरएफ ने पुलिस और आम लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उज में फंसे हुए लोगों को किनारे तक पहुंचाया। और दूसरी ओर हाईवे पर लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका हटली मोड आज भी झील में बदल गया और इस इलाके में 5 गाड़ियां जो हैं वो फंस गई थी, जिन्हें कड़ी मुशक्कत के बाद निकाल दिया गया। पांच लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास 5 लोग थे यहाँ फंसे हुए, तो जो यहाँ काम कर रहे हैं लेबर का पार, तो बारिश की वजह से जब रात को बारिश हुई है तो सुबह जब पानी चढ़ गया यहाँ, तो फिर हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन आई तो हमने मिलकर लोकल लोगों के साथ और एसडीआरएफ की टीम भी आई है तो इनको रेस्क्यू किया 5 लोगों को यहाँ से। सरोजी जी, मशक्कत तो आपके सामने, मशक्कत तो बहुत ही करनी पड़ती है और जान को खतरे में भी डालना पड़ता है, तो लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे तो उस टाइम, क्योंकि कल भी हमने सारा दिन जब बारिश हो रही थी तो सारा दिन हमने इसके आसपास वाले सारे इलाके में बोल दिया था कि भाई आप लोग अपना अपना ख्याल रख के और बाहर आ जाएं, पानी के पास ना जाएं, बट फिर भी लोग थोड़ा सा लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से अपनी तो जान खतरे में डालते ही हैं। अब हम लोग भी इंसान हैं, इंसानों की तरह ही जाना है पार, जब बचाने के लिए भी जाना है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम है या लोकल भी होंगे, तो जान तो खतरे में रहती है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जान जा सकती है। तो इसलिए सबको यही मेरा एक मैसेज है कि बारिश के मौसम में, खासकर बरसात के मौसम में, पानी के आसपास ना ही जाएं तो बेहतर है, अच्छा रहेगा। बारिश की को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, बट अगेन जिनको ये बात, जिनके कान तक ये बात जानी चाहिए उनको उसके कोई परवाह भी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं मेरे साथ और भी यहाँ के लोकल पब्लिक जो खड़ी है, ये सब जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जब बाकी जो हमारे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिनके अंडर अंडरटेकिंग है, उनका काम जनरल पब्लिक कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि हर बार की तरह अभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिवाइडर तक नहीं दिख रहा है, तो अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो लाइक कौन जिम्मेवार है? तो हम एज अ जनरल पब्लिक हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी एज ऑफ नाउ तो इमीडिएटली तो कुछ हो नहीं पाएगा, बट एटलीस्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इस पॉइंट के आगे से अगर बिकॉज ऑफ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है पुल की, नए पुल की, तो वहाँ से अगर डाइवर्जन करके गाड़ियों को रूट कर सकते हैं यहाँ से, तो थोड़ा आगे अगर हट्टी मोड़ से आगे भी तो कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिला राजौरी में नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं और नदियों और नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ यहां कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। डीसी राजौरी विकास कुंडल ने बताया कि प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है और प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों को लेकर डीसी राजौरी ने और क्या कुछ कहा है, जरा देख लीजिए। को पता है कि हमने सारे अपना कंट्रोल रूम शुरुआत उसकी हमने स्टार्ट कर दी है, उसके अलावा एडवाइजरी जो हमने डिफरेंट एरियाज में दे दी है, हमारे एडीसीज, हमारे एसडीएम्स, हमारे तहसीलदार, जो डिफरेंट हमारे नाले हैं, जैसे थाना मंडी नाला है, ऊपर जो कोटरंका में अंस नाला है, यहाँ नीचे सुखता और तवी है, सोलकी नाला है, जितने जमुला नाला है, जितने भी नाले हैं वहाँ पर हमने अनाउंसमेंट करवाई है। और लोगों से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि खासकर इन 2 दिनों में और बारिश के सीजन में इन जनरल जो है नालों के अंदर ना जाएं, कोई जेसीबी लेके आए, कोई टिप्पर लेके ना जाए, कोई कपड़े धोने ना जाए, कोई जानवरों को लेके ना जाए, क्योंकि सडनली पानी का जो लेवल है वो राइज हो जाता है। और इन 2 दिनों में खासकर ये एडवाइजरी बहुत ही सख्त है और हाई रीचेस में जब बारिश होगी तो सडनली पानी नीचे आएगा और लोग उस पानी की जद में आ जाएंगे और जान और माल का भी खर्चा जो नुकसान होने का खतरा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।